हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 20 स्पॉटिंग रैंक के क्वेश्चंस, जो कि सभी एसएससी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को बताने से पहले इस ई कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी या बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, इंग्लिश के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, तो इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हैं स्पॉटिंग रैंक के क्वेश्चंस और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं एसएससी एग्ज़ाम में और इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट रैकरिंग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रैकरिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एसएससी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस सेंटेंस में ऑल द मेम्बर्स ऑफ द बोर्ड्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। अब इसमें दो वर्ड देखिए, एक है इसमें काइंडली और एक है रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो काइंडली का मतलब क्या होता है? काइंडली का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना। तो ये जो एरर है, ये सुपरफ्लुअस एरर है, मतलब इसमें सुपरफ्लुअस वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ हुआ है। अब चूंकि ये दोनों वर्ड एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसमें से कौन सा वर्ड आप हटाएंगे? तो यहाँ पर एक बेसिक आपको याद रखना है कि काइंडली जो है ये आता है एक्टिव वॉइस में, काइंडली आता है एक्टिव वॉइस में, और रिक्वेस्टेड चूँकि थर्ड फॉर्म है इसलिए रिक्वेस्टेड हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, काइंडली हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में और रिक्वेस्टेड हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसमें इज एम आर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इज एम आर लगा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसको आपको, इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको काइंडली वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो इसलिए इसमें काइंडली वर्ड कहाँ पर दिया गया है ये देख लेते हैं। काइंडली वर्ड इसमें दिया है बी में, तो इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा बी, यानी काइंडली को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो काइंडली को हटाने के बाद ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड, आर के बाद यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म भी लग गई, आर के बाद थर्ड फॉर्म, और काइंडली को आपने हटा दिया, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसमें मैंने ऐसे एरर्स लिए हैं, ऐसे स्पॉटिंग एरर्स लिए हैं जो एसएससी एग्जाम्स में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में रिपीट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट, ये यहाँ तक तो सही है, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी Universally condemned by all। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें एरर कहाँ पर है। स्टूडेंट देखता है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर होगी, लेकिन उसमें दूसरे तरह की एरर रहती है। अब देखिए, यूनिवर्सली जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सेप्टेड बाई ऑल और अप्लाई टू ऑल, ठीक है। यूनिवर्सली का मतलब है कि सभी पर जो चीज़ अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली। तो इसलिए यहां पर बाय ऑल जो है, ठीक है, इसमें जैसे यहां पर ये दिया है बाय ऑल, ये इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है या सुपरफ्लुअस है आप मान सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली जो होता है, यूनिवर्सली का अर्थ होता है कि जो सभी पर अप्लाई होता है, तो इसलिए इसमें बाय ऑल का प्रयोग करना इसमें गलत होगा। और यहां पर हम बाय ऑल का प्रयोग, बाय ऑल को हम काट देंगे, बाय ऑल को हम काट देंगे इसमें, और यूनिवर्सली का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर होगी डी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब होता है जो सभी पर अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें, विद इन एन आवर्स, देखिए एन आवर्स तो सही है,
एन आर्स बोलना सही है क्योंकि आर्स के पहले एन लगा हुआ है. विद इन भी सही है क्योंकि विद इन का मतलब होता है एक सीमा के अंदर अंदर, मतलब एक घंटे के भीतर भीतर हम आगरा को टच कर लेंगे, ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर. तो विद इन एन आर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा. देखिए अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है कम नियर, कम नियर. ये किसका मतलब होता है, अप्रोच का मतलब होता है. तो इसलिए इसमें नियर का प्रयोग करना इसमें गलत होगा. तो इसलिए इसको सेंटेंस को आपको बोलना पड़ेगा विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच आगरा, मतलब वी विल कम नियर आगरा. ठीक है, यदि आप अप्रोच को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कम नियर. तो इसका मतलब हो जाएगा विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल कम नियर आगरा. तो इसका मतलब नियर जो वर्ड है इसमें, ये इसमें एक्स्ट्रा है. तो ये सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, सही सेंटेंस जो पढ़ा जाएगा वो किस तरीके से पढ़ा जाएगा, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच आगरा. ठीक है, नियर जो है इसको आपको हटाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा है. और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. आई हैव लर्नड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप. ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे होता है पासिंग मार्क्स. ठीक है, पासिंग मार्क्स, तो ये गलत है. पासिंग मार्क्स की जगह हम बोलते हैं पास मार्क्स, पास मार्क्स. उसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसको जिसका जो गलत वर्जन है वो है लेक्चरशिप. इसका सही जो वर्जन होता है वो होता है लेक्चररशिप. ठीक है, उसी तरीके से फ्रीशिप कहना गलत है. फ्रीशिप की जगह आप फ्री स्टूडेंटशिप आप बोल सकते हैं. तो ये वर्ड इसमें गलत है, इसमें ये वर्ड इसमें रिडंडेंट है या एक्स्ट्रा है. तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, मतलब यहाँ से फ्री स्टूडेंटशिप आपको फ्रीशिप की जगह बोलना पड़ेगा और डी आपका इसमें आंसर होगा. ये जो वर्ड है फ्रीशिप, ये इसमें गलत है. ठीक है, तो इस तरीके से इनके आंसर्स आपको करना है. चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर. इसमें किस तरह की गलती है, हम इसको देखते हैं. इट वॉज सजेस्टेड, इट वॉज सजेस्टेड मतलब इसको सजेस्ट किया गया था, यानी यहां तक ये सही है. बाय द डॉक्टर किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, डॉक्टर के द्वारा. बाय द डॉक्टर यहां तक सही है. सजेस्ट क्या किया गया था कि दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर. अब टेक केयर के बाद हम क्या लगाते हैं, टेक केयर के बाद हम लगाते हैं ऑफ. ठीक है, तो पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा. तो ये वाला जो पार्ट था ये इनकम्प्लीट था इसमें, और यहाँ पर इसमें ऑफ लगेगा, यहाँ पर इसमें ऑफ लगेगा, तो ये इसमें एरर हो जाएगी. आपका आपका आंसर होगा इसमें सी. ठीक है, जैसे टेक केयर नहीं होता, टेक केयर ऑफ होता है. जब हम सेंटेंस में टेक केयर को लगाते हैं तो टेक केयर ऑफ के साथ लगता है, टेक केयर ऑफ. ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इस पार्टिकल को इसके साथ ही इसको हम लगाते हैं. तो इसमें आंसर होगा आपका सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. अ 5-स्टार होटल इज टू बिल्ड इन माय टाउन नेक्स्ट ईयर. इस सेंटेंस के थ्रू हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 5-स्टार होटल को, 5-स्टार होटल को बनाया जाना है. बनाया जाना है मतलब किसी के द्वारा बनाया जाना है. देखिए 2+V1, ठीक है, एक होता है 2+V1, इसका मतलब होता है कि ऐसा काम होना है, ऐसा काम होना है. और इसको यदि आप बोलते हैं 2+B+V3, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसा काम किया जाना है. अब 5-स्टार होटल बनाया जाना है, ठीक है, 5-स्टार होटल अपने आप नहीं बनेगा, उस होटल को बनाया जाना है किसी व्यक्ति के द्वारा. अब चूंकि इसमें एजेंट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को आपको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा. इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है 2+B+V3, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अ 5-स्टार होटल इज टू बी बिल्ट, इज टू बी बिल्ट. ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्ट है इस टू बिल्ड की जगह इस टू बी बिल्ट आपको लिखना पड़ेगा. तो ये जो पार्ट है आपका बी पार्ट, ये इसमें रॉन्ग पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिबेयर ऑफ सुनीता, शी इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर इन द ग्राउंड.
अब देखिए इसको, इस सेंटेंस को यदि आप पूरा पढ़े हैं तो इसमें ग्रामेटिकली कोई गलती आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये टिपिकल एसएससी सेंटेंस है और एसएससी में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी आते हैं। अब देखिए इसमें कहाँ पर गलती है, बिवेयर ऑफ सुनीता, मतलब सुनीता से सावधान रहना, ठीक है। शी इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर इन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर एक idiom का यूज हुआ है, हैव एन ईयर इन द ग्राउंड, लेकिन सही idiom क्या है, हैव एन ईयर टू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर इनकी जगह आपको टू वर्ड को यूज करना पड़ेगा, हैव एन ईयर टू द ग्राउंड होता है, मतलब वो हर चीज़ को, हर चीज़ के बारे में आपका अवेयर रहती है, ध्यान से उस चीज़ को वॉच करती है। तो इन द ग्राउंड जो है, इन द ग्राउंड से पहले इसमें, यहाँ पर इसमें, यहाँ पर क्या लगेगा, टू द ग्राउंड लगेगा, ठीक है। और सी पार्ट की इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट ए सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस, मतलब पूरे साल ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन वायलेंस नहीं हुआ था, जिस दिन हिंसा नहीं हुई थी। अब इसमें देखते हैं क्या गलती है। देखिए थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे समय के दौरान, जैसे अगर मैं बोलूं कि थ्रू आउट द मंथ, ठीक है, थ्रू आउट द मंथ, तो इसका मतलब होगा पूरे मंथ के दौरान। थ्रू आउट द डे का क्या मतलब होगा, पूरे दिन के दौरान। थ्रू आउट द ईयर का क्या मतलब होगा, पूरे ईयर के दौरान, ठीक है। तो थ्रू आउट का मतलब भी पूरा है और होल का मतलब भी पूरा है, तो इसलिए ये एक सुपरफ्लुअस मिस्टेक है, या तो इसमें थ्रू आउट लगाओ या इसमें आप होल लगाएं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर नहीं, या तो आप होल ईयर बोलिए या थ्रू आउट द ईयर बोलिए। तो इसलिए थ्रू आउट द होल ईयर कहना गलत है, थ्रू आउट द ईयर आप बोल सकते हैं, और ए पार्ट में इसमें आपकी गलती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। तो इसको हम एनालाइज करते हैं, दे स्टेड इन कश्मीर, यहाँ तक ये सही है, और पीरियड के लिए हम फॉर लगाते हैं तो यहाँ तक भी ये सही है, एंड देन दे रिटर्न होम, ये वाला पार्ट इसमें सही है, ये वाला पार्ट इसमें सही है, ये वाला पार्ट एक्चुअली फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए पीरियड और टाइम ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, पीरियड का मतलब भी समय होता है और समय का मतलब भी समय ही होता है, तो पीरियड के साथ समय का प्रयोग करना गलत है, या तो आप बोलिए शॉर्ट पीरियड या फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। पीरियड और टाइम दोनों को प्रयोग करना ये गलत है, तो इसमें आप बोलेंगे दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी शॉर्ट, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम या फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, तो इसमें आपका सी जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें गलत है, ठीक है। तो सी इसमें आंसर आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 20 क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, और यहां पर मैंने कुछ अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस लिए हैं, और इस तरह से भी क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या गलती है। इन सच डेलीकेट मैटर्स, डेलीकेट मैटर्स मतलब जो थोड़े से सेंसिटिव मैटर्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डेलीकेट मैटर्स। तो इन सच डेलीकेट मैटर्स वी ऑफन गो विथ हिज एडवाइस एज ही हैज़ बीन हैंडलिंग सच केसेस इफेक्टिवली। इस तरह के डेलीकेट केसेस में हम उसकी एडवाइस के साथ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के केसेस को बहुत दिनों से इफेक्टिवली हैंडल करता रहा है। तो गो विद भी कहना सही है, एक गो बाय भी होता है, गो बाय, गो बाय का मतलब होता है किसी चीज़ से गाइडेड होना, टू बी गाइडेड बाय समथिंग, इसका मतलब होता है गो बाय, और गो विथ का मतलब होता है उसके साथ जाना या उसको फॉलो करना, ठीक है। तो विथ का प्रयोग यहाँ पर सही है, इसमें गलती नहीं है, और एडवाइस का प्रयोग भी सही है, एडवाइस में यदि यहाँ पर एस होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये सही है। और ही हैज़ बीन हैंडलिंग, ये भी इसमें सही है, ये भी इसमें गलती नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा डी, यानी नो एरर, ठीक है। अब आ जाइए इधर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्टर। देखिए इसमें दैट जो है ये किसके साथ जुड़ता है, दैट जुड़ता है सो के साथ, सो दैट जो होता है वो उसका एक करेक्ट पेयर होता है, सो और दैट,
और सो दैट से हम क्या बताते हैं, किसी चीज़ की डिग्री बताते हैं और उस चीज़ का फ़र्क, उस चीज़ का इफेक्ट एक्शन पर क्या पड़ रहा है ये बताते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्टर। वो इतना थका हुआ था कि सपोर्टर की मदद से भी वो स्ट्रीट को क्रॉस नहीं कर पाया। ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है, तो टू टायर्ड की जगह यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू जो है ये गलत है और ए पार्ट में इसमें एरर होगी। अब इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, माई डिज़ायर टू मीट दैट प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। मेरी डिज़ायर है प्रेसिडेंट से मिलने की, कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के प्रेसिडेंट से मिलूं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये इसमें हम प्लान बता रहे हैं कि ऐसा करने का मेरा प्लान है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस टू, एम टू और आर टू, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। तो माई डिज़ायर, मेरी डिज़ायर है, ठीक है, तो माई डिज़ायर इज़ टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। तो इसलिए इसमें ए पार्ट में गलती होगी, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा माई डिज़ायर इज़ टू, यहाँ पर आपको इसमें गलती है, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसमें क्या गलती है हम डिस्कस करते हैं। मैनी स्टूडेंट, ठीक है पास द आई आई टी एग्जामिनेशन, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे तो मैनी प्लूरल होता है, लेकिन मैनी ए जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि मैनी में इसमें ए लग जाता है, यहाँ पर इसमें ए लग जाता है। तो इसके बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, मैनी ए के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है इसमें, लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए इसमें हैव की जगह हैज़ आएगा और बी पार्ट में इसमें आपकी गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल, मतलब ओपनिंग सेरेमनी के समय बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, एकत्रित हो गई थी। तो ये अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा था, सेरेमनी का पॉइंट था, जिस समय ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था, ठीक है। सपोज 8:45 पर ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था, तो 8:45 क्या हुआ, वो एक पॉइंट हुआ। और पॉइंट के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट के लिए हम एट लगाते हैं, ऑन द टाइम नहीं लगाते, एट लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एट द टाइम होगा और ए इसमें गलती होगी। और दो फ्रेज और होते हैं, एक होता है ऑन टाइम, ठीक है, और एक होता है इन टाइम, एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब समय से पहले, और एट द टाइम का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसलिए इसमें ए पार्ट में यहाँ पर इसमें गलती आपकी मानी जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकन्स आर एकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी विद देयर मील्स। एकस्टम्ड टू जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं, तो ड्रिंकिंग तो यहाँ पर सही है, और चूंकि अमेरिकन्स का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग करना सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर होगा डी। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, द टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। देखिए ये एक टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, टाउन के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, इट इज़ नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, मतलब ज़्यादा कुछ देखने को वहाँ पर नहीं है, इसलिए अ फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। हालांकि अ फ्यू का मतलब भी काफ़ी कम ही होता है, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, टाउन के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो ना के बराबर जाते हैं। तो ना के बराबर को बताने के लिए यहाँ पर हम ए फ्यू ना बोलते हुए केवल हम बोलेंगे फ्यू, क्योंकि ए फ्यू जो होता है इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं इसका मतलब वो अच्छी जगह है, और सेंटेंस बोल रहा है कि वो अच्छी जगह नहीं है, बहुत फेमस जगह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग करना सही होगा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल।
इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका सी, ठीक है। यहां पर इसमें आपको ए फ्यू की जगह फ्यू बोलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो बंबई में रहते हैं और हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। तो हैव का प्रयोग तो यहां पर सही है क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो हैव का प्रयोग तो सही है, ये प्लूरल नाउन है यहां पर। लेकिन इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड नाउन का, ये गलत है। इसमें जो एस हम लगाते हैं ये हम मेन वर्ड में लगाते हैं, मेन वर्ड है इसमें ब्रदर्स, लॉज मेन वर्ड नहीं है, इसलिए ब्रदर्स इन लॉ इसमें होगा, ठीक है। तो ये इसमें गलत है, ए पार्ट इसमें गलत है और इसमें आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और इसमें एक पर्टिकुलर मिस्टेक की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें पर्टिकुलर पर्सन से वो वहां पर मिला था। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, वह व्यक्ति जिससे मैं थिएटर में मिला था, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ए पर्सन ना आते हुए यहाँ पर हम बोलेंगे द पर्सन, ठीक है। तो इसलिए इसमें ए पार्ट जो है ये इसमें पूरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। और सत्यजीत रे हु कंसीव्ड को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड, तो तीनों ही वर्ब इसमें पास्ट टेंस में है, कंसीव्ड को ऑथर्ड एंड आपका डायरेक्टेड, तो ये तो सही है। अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ पर है, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ का मतलब होता है कई सारे में से एक, तो इसलिए यहाँ पर आप मेकर्स की जगह मेकर्स आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड है ये इसमें गलत है, मेकर्स यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो हम नाउन लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, प्लूरल में लगाते हैं, इसलिए ऐसे ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हिज टी। काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है और इसको हम फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। इंस्पाइट ऑफ ये सही है, द डॉक्टर्स स्टर्न मतलब काफ़ी कठोर वार्निंग, तो डॉक्टर की एक कठोर वार्निंग के बावजूद भी उसने शुरू करके रखा, उसने कंटिन्यू रखा क्या चीज, टेकिंग शुगर इन हिज टी। एक्चुअली यहाँ पर इन हिज टी कहना थोड़ा सा गलत है, इन हिज टी वह अपनी चाय में, ठीक है, हिज टी कहना यहाँ पर गलत है, केवल टी सही है यहाँ पर, इसलिए हिज टी गलत है इसमें। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा सी, इसमें आपका आंसर होगा ये हिज कहना यहाँ पर गलत है, सी इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, और यदि आप प्रोफेशनल स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए, और इन तीनों के लिए कॉम्बो पैक आता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, 9893719933। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, यदि अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और ज़रूर इसको शेयर करें, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकॉन होता है उसको भी आप दबाएँ, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस इस चैनल के टाइम पर मिलेंगे। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।